भाजपा जम्मू कश्मीर में विकास के नाम पर इस बार मैदान में उतरी हुई है। बीजेपी के खनियार से प्रत्याशी अशोक भट्ट ने डेन नाइट न्यूज से की खास बातचीत और ये बात कही है। अशोक भट्ट ने खास बातचीत में राज्य की उमर सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अशोक भट्ट साहब है, जो कि एक हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी खानियार से लड़ने जा रहे हैं, जहां इनका मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दिग्गज नेताओं के साथ है। और कोशिश करेंगे आज इनसे जानने की कि ये क्या क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, और आपको अगर लोग अपना कीमती वो वोट दें तो वो क्यों दें, क्यों आप ऐसा मानते हैं कि लोग आपको इस बार विधानसभा के लिए चुने? देखिए, अगर हम देखेंगे कि 1947 से आज तक जो भी कश्मीर में, मैं कश्मीर की बात करूंगा पहले, कश्मीर में 1947 से आज तक जो भी लोगों के साथ वादे किए हैं वो सब अभी तक गलत निकले। और अगर हम देखेंगे डेवलपमेंट भी ज़ीरो आज के डेट में है। जो बाहर के, अगर आप देखेंगे गुजरात को आप देखिए या बाकी दूसरे स्टेटों को देख लीजिए, वो कहाँ पर हैं और कश्मीर कहाँ पर है। अब रहा खानियार का सवाल, खानियार में हमारा प्रोग्राम है पहला विकास, और फिर दूसरा ये बात है कि हम जो भी यहाँ पर बेरोज़गार लोग हैं, बेरोज़गार जवान हैं, उनको हम नौकरियाँ दे देंगे, उनको हम जो भी कहीं कोई बिजनेस में जाना चाहता है उनको हम बिजनेस में सेटल करेंगे या उनको रोज़गार का एवेन्यूज़ पैदा करेंगे और हम ये काम करेंगे। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है या जितने भी कैंडिडेट है विधानसभा के लिए, वो विकास की बातें करते हैं, थोड़ा बताएंगे हमें कि विकास के लिए और खासतौर पर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या रोड मैप है आपके पास? देखिए, अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखेंगे कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो हैं, जिन पर जो एक बैकबोन होता है किसी स्टेट का, किसी कंट्री का, अगर हम कश्मीर की बात देखेंगे तो यहाँ इंडस्ट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं। उसकी कुछ वजूहात हैं कि ज़ीरो क्यों है। पहली बात है कि अगर आप ऑनेस्ट, आप जो एडमिनिस्ट्रेशन हो या पॉलिटिशियन ऑनेस्ट हो तब ये चीज़ें चलती हैं। दूसरी बात है कि पावर सेक्टर जो है वो हमारा वीक है। पावर सेक्टर में जब आपको पावर नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्रीज़ कहाँ से ऊपर जाएंगे या कहाँ से वो फल फूलेंगे। हम जो ये प्रोजेक्ट्स हैं इनको हम अपने हाथ ले लेंगे, हम अगर हमारा पावर है, अगर हमारी बिजली है, अगर हमारा पानी है, हम क्यों बाहर से पानी, ये पावर खरीदते हैं? तो ये चीज़, उन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये पहला हमारा ये होगा, ये मसला पहला हम उठाएंगे और ये करेंगे इंशाल्लाह, ये चीज़ें हम करेंगे। दूसरी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर, अगर यहाँ पर इन्होंने सिंसियरली काम किया होता तो ये नौबत नहीं होती कि खानियार को ये नाम नहीं दिया गया होता कि ये जी पत्थरबाजों का इलाका है। खानियार बेसिकली उसमें कुछ वजूहात हैं, पॉलिटिशनों की वजूहात हैं, खासकर मैं बोलूँगा कि सागर साहब की मेहरबानी है कि सागर साहब ने वहाँ पर सिर्फ मैरिज हॉल्स, जो मैंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में देखे हैं कि मैरिज हॉलों को ही बनाने से कोई विकास नहीं होता है। वहाँ पर आपको रोज़गार की ज़रूरत है, जो वहाँ पर जवान हैं जब तक वो रिहेबिलिटेट नहीं होंगे, जब तक उनको रोज़गार नहीं दिया जाएगा तब तक वो कहाँ, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में तो ये प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। आपने रोज़गार की बात की तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये बनता है कि जो बीजेपी का एजेंडा है विकास और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, वो जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनका एजेंडा रहेगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ये बताइए, अगर भाजपा एक तरफ से मिशन 44+ अचीव करने का दावा करती है तो दूसरी तरफ थर्ड फ्रंट और सजाद गनी लोन जैसी पार्टीज के साथ गठजोड़ करने की बातें क्यों हो रही है? देखिए, ये कुछ भी लोग बोल सकते हैं, तो मुझे इस बारे में, देखिए क्या होता है कि सभी जाते हैं दिल्ली, सभी जाते हैं, कोई कहीं पहुंचता है, कोई कहीं पहुंचता है, तो ये तो डेमोक्रेसी है, इसमें क्या कर सकते हैं आप, किसी को रोक नहीं सकते हैं इन चीज़ों को, ये तो बोल सकते हैं लोग, तो बोल देंगे ही। अभी आप लोगों के बीच मिशन 44 के नाम पे जा रहे हैं ना, तो देखिए मिशन 44 हमारा अचीव होगा, ये मैं 100% बताऊँगा आपको, क्योंकि हम जब काम करेंगे, ऐसे ही काम करेंगे तो नेचुरली लोग वोट भी डालेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर भट्ट साहब का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी डटी है
मिशन 44 प्लस को कामयाब बनाने के लिए, और जब उनकी सरकार बनेगी तो लोगों के विकास के लिए काम करेंगे, और खास तौर पर भट्ट साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी यानी खानियार में वो लोगों के लिए, आर्टिजन्स के लिए और बाकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस संगठन सरकार में अधूरे काम रहे उन्हें पूरा करेंगे और लोगों के लिए एक नया खानियार बनाएंगे। कैमरा पर्सन फैरजवानी के साथ इरफान कुरैशी, डे एंड नाइट न्यूज, श्रीनगर। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।